स्वागत है दोस्तों छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में। तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। एनएसयूआई अध्यक्ष ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ किया दुष्कर्म, पीड़िता ने लगाए गंभीर आरोप। बेमेतरा जिला के नवागढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत युवती को शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने का ताजा मामला सामने आया है। आरोपी नवागढ़ क्षेत्र के अंशु केशरवानी एनएसयूआई का अध्यक्ष बताया जा रहा है। पीड़िता के एफआईआर कराने के बाद से आरोपी नवागढ़ से फरार है, जिसकी नवागढ़ थाने की पुलिस तलाश में जुटी हुई है। नवागढ़ थाना के अनुसार आरोपी ने युवती को शादी का झांसा दिया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया, जिसके बाद शादी से मुकर गया। मामले को लेकर पीड़िता ने नवागढ़ थाने में आकर अपनी आप बीती बताई, जिसे लेकर नवागढ़ थाने की पुलिस ने धारा 376 506 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि आरोपी कांग्रेसी होने के कारण अब तक गिरफ्तारी से बाहर है। मामले को लेकर भाजपा ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर संबंधित युवक की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं कार्रवाई में देरी होने पर पुलिस थाने के सामने विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है।